युवती को शिकार बनाने के लिए कुंडली मारे बैठा था विशाल का अजगर, आधी रात किया गया रेस्क्यू। जिले में जहां लगातार कोबरा प्रजाति का सांप देखने को मिल रहा है, वहीं काफी समय बाद अजगर देखने को मिला। वार्ड क्रमांक एक मिशन पारा अभिषेक कुमार के निवास स्थान में विशाल का अजगर रेस्क्यू किया गया। अभिषेक कुमार की माने तो कुछ दिनों से घर के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता था, जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। बीती रात 12 बजे अचानक फिर से आवाज आई। खिड़की से टॉर्च मारकर देखने पर घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखा कि एक विशाल का अजगर चला रहा था, मानो शिकार के लिए निकला हो। बिना देरी किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी। जितेंद्र सारथी की पहुंचने के बाद घर वालों में हिम्मत आई और जल्दी रेस्क्यू करने को कहा, जिसके बाद कुंडली मारे बैठे अजगर को बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लिया। समीर गुप्ता की रिपोर्ट। भाई जितेंद्र सारथी, आपको क्या जानकारी मिली थी? सर, जैसा कि आज हमको जानकारी मिला, करीबन आज 11:30-12 बज रहे हैं, तो मुझे एक फोन आया विपुल भाई का। वहाँ उनके घर पे एक काफी बड़ा सांप दिखा गया, तो उन्होंने कुछ फोटो वीडियो भेजे जिसपे मैं दिखा कि वो अजगर है और वो उनके घर के कंपाउंड के अंदर था। तो मैं अभी पहुंचा उनके घर पे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू कर लिया, और उसको सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद हम उसको भी रिलीज कर देंगे। और जैसा कि इनके घर पे कुछ बच्चे बताए और साथ ही साथ कुछ जानवर भी थे, तो कुछ हो सकता है, कुछ हादसा भी हो सकता है। फिलहाल तो कोई हादसा टला और मैंने उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके सुरक्षित अभी उसको जंगल में हम छोड़ देंगे। और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे थे कि रात में वहां पे कुछ एक आवाजें आती हैं, क्योंकि हमारे घर में कुत्ते हैं, तो हमको शक होता था कि वहां हमारा कुत्ता खेल रहा है। लेकिन आज जब हम लोगों ने अपने घर की खिड़की से देखा, तो वहां एक लंबा सा 6 फीट का एक सांप जो है हम लोग को थोड़ा सा चलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमने भाई जितेंद्र सारथी को अपने फोन किया और भाई ने आके उसको रेस्क्यू किया है, और एक 7 फीट के आसपास का ये अजगर सांप है, जिसको मीन्स ऐसा ये सांप है कि अब इसको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि घर में जो भी हमारे यहाँ ये कुत्ते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये सांप अगर ऐसा रहता तो कहीं ना कहीं जान माल की नुकसान हो सकती थी। और जितेंद्र भाई ने आके इसको रेस्क्यू किया है, इसके लिए हम जितेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।